हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक्सिस बैंक लेकर आ गया नया सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जिसका मतलब ये होता है कि हम ये क्रेडिट कार्ड विदाउट एनी इनकम प्रूफ अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी इनकम प्रूफ के हमें ये क्रेडिट कार्ड मिल भी जाएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक ये क्रेडिट कार्ड इशू करता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में है। तो अगर हम एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके बेस पर हमें ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब इसके लिए मैं मिनिमम कितने रुपये का फिक्स डिपॉजिट करना होगा ये मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही आप लोगों को मैं फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाला कि आपको मिनिमम कितने का करना होगा और मैक्सिमम कितना आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स क्या हैं, इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं, क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। एकदम ए टू जेड आपको डिटेल्स मिलेंगी। तो एक एक करके बारी बारी करके हम सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस क्रेडिट कार्ड का। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड का नाम है प्रिविलेज इजी क्रेडिट कार्ड और ये ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है। तो जितने भी आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे ट्रैवलिंग के ही होते हैं, मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवलिंग में तो उसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लाइक अगर आप टिकट बुकिंग्स करते हैं तो उस पर आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड से, और इस क्रेडिट कार्ड में जो आपको ऑफर्स मिलेंगे वो भी ट्रैवल के रिलेटेड ही ऑफर्स होंगे। तो आपको जितने भी फीचर्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सारे ट्रैवलिंग से रिलेटेड होंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया, उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए जानते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो बेनिफिट दिया जाता है वो एक्टिवेशन बेनिफिट होता है। एक्टिवेशन बेनिफिट में आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं एक्टिवेशन बेनिफिट के तौर पे, और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं शॉपिंग या फिर ट्रैवल के लिए। लाइक इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं शॉपिंग में, या फिर आप चाहें तो ट्रैवल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, रिडीम करके स्पेंड कर सकते हैं। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की जो वैल्यू होती है, जो वर्थ होती है, वो 5,000 रुपीज़ है। तो 5,000 रुपीज़ के बराबर के आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप रिडीम करके यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के लिए, या फिर आप चाहें तो ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपको एक्टिवेशन बेनिफिट मिलता है ये आपको तब मिलेगा जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग फ़ी का फुल पेमेंट किया हो और आपके क्रेडिट कार्ड से 60 दिनों के अंदर मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे, तभी आपको ये एक्टिवेशन बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कि आपको 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 2.5 लाख रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं, साल भर में 2.5 लाख रुपये इस क्रेडिट कार्ड से अगर आपने खर्च कर दिए तो आपसे कोई भी एनुअल फीस क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं ली जाएगी, वो माफ़ रहेगी। इसके अलावा आपको डबल बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो एज रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं जो आपने अर्न किए हैं इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करके, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम करके शॉपिंग या फिर ट्रैवल में इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि आप उनसे स्पेंडिंग कर सकते हैं और वो सारी स्पेंडिंग जोड़ी जाएंगी आपके क्रेडिट कार्ड की सारी स्पेंडिंग्स में वो आएंगी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से शॉपिंग करते हैं या फिर उसको ट्रैवल में यूज़ करते हैं तो वो भी आपके क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग में आएंगी, और अगर आपके क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग साल भर में 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो फिर उस पर कोई भी आपसे ज्वाइनिंग फ़ी नहीं ली जाती है। तो ये आपको डबल बेनिफिट मिलता है, और एनुअल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड में। तो आपका क्रेडिट कार्ड जब रिन्यू होता है, आपके क्रेडिट कार्ड का 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाता है तो आपको 3,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 3,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ये आपको तब मिलते हैं जब आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी का पेमेंट हो जाता है। इसके अलावा एनुअल बेनिफिट्स में आपको पहले ही मैंने बता दिया कि 2.5 लाख रुपये अगर आपने साल भर में खर्च कर दिए इस क्रेडिट कार्ड से तो एनुअल फ़ी वेव कर दी जाती है, माफ़ हो जाती है। तो इन दोनों में से कोई एक बेनिफिट तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए तो वो माफ़ हो जाएगी जो आपको एनुअल फ़ी देनी होती है आपके क्रेडिट कार्ड की। इसके अलावा अगर आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी का पेमेंट होता है तो आपको 3,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलते हैं, पर क्वार्टर 2 टाइम्स आप विजिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लॉन्च में। हर तिमाही में आपको 2 बार फ्री मिलता है। फ्री का मतलब ये होता है कि 2 रुपये का ट्रांजेक्शन होता है, बिल्कुल ही फ्री नहीं होता है, एक छोटे से अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है जिसके बाद आप लॉन्च में विजिट कर सकते हैं। अगर आप वैसे विजिट करेंगे तो उस पर बहुत भारी भरकम आपको फ़ी देनी होती है, लॉन्च में विजिट करने की जो फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च विजिट्स मिलते हैं, एक्सेस मिलते हैं, ये सभी एयरपोर्ट्स के लिए नहीं है, ये कुछ ही एयरपोर्ट्स के लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो लिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सिस बैंक के 4,000 से भी ज़्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आपको अप टू 20% तक का ऑफ मिलता है, ये एक्सिस बैंक के कार्ड्स पे होता ही है, तो इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको दिया जाता है ये बेनिफिट।
और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। इंडिया भर के किसी भी फ्यूल स्टेशन से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल परचेस करते हैं, फ्यूल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 400 रुपये से लेकर के 4000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देना होता है। जो सरचार्ज होता है वो रिफंड कर दिया जाता है। हालांकि जो GST जो सर्विस चार्ज होता है वो रिफंड नहीं होता है, लेकिन जो सरचार्ज आपसे लिया जाता है वो रिफंड कर दिया जाता है आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में। लेकिन आप जो मैक्सिमम सरचार्ज वेवर ले सकते हैं पर मंथ 400 रुपीज़ का ले सकते हैं। 400 रुपये तक का मैक्सिमम सरचार्ज वेवर आपको महीने भर में मिलेगा, इतना ही बेनिफिट आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से हर 200 रुपये खर्च होने पे आपको 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड में आपको ढेर सारे इंश्योरेंस कवर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको 2.5 करोड़ का मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और परचेस प्रोटेक्शन प्लान आपको 1 लाख रुपए तक का मिलता है। और क्रेडिट शील्ड आपको दिया जाता है, जो कि 1 लाख तक का होता है। लॉस्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट कवर आपको दिया जाता है $300 का, $300 का आपको ये इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा भी कुछ आपको इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डिले इन चेक इन बैगेज कवर, जो कि $300 का होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ चेक इन बैगेज, जो कि $500 का होता है। तो ये सारे ही आपको इंश्योरेंस कवर इस क्रेडिट कार्ड पर दिए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम फिक्स डिपॉजिट करना होगा 65,000 रुपीज़ का। 65,000 रुपये का कम से कम आपको फिक्स डिपॉजिट करना होगा तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं जब आप एक्सिस बैंक के किसी भी ब्रांच में मिनिमम 65,000 रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट करेंगे, क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और मैक्सिमम आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए 25 लाख रुपीज़ तक का। ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख रुपये तक का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लिए। और माइनर्स इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 18 या फिर 18 अबव। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट मिलेगी वो आमतौर पे एक्सिस बैंक 80% देता है, तो आपको 80% तक की लिमिट मिल जाएगी इस क्रेडिट कार्ड पे। अब ये हर तरह के फिक्स डिपॉजिट पे आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता है, ये जान लीजिए। अब अगर आपने पहले से फिक्स डिपॉजिट करा रखा है तो उस पे भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको नया फिक्स डिपॉजिट करना होगा। अगर आपने पहले से करा रखा है तो उस पे भी ले सकते हैं, नहीं है तो दूसरा आप करा सकते हैं, नया करा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही तरह के फिक्स डिपॉजिट पे आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाए। जैसे कि टैक्स सेवर अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उस पे आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो फ्लेक्सी डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे कि ऑटो स्वीप जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, उन पे आपको नहीं मिलेगा। ऑटो स्वीप ये तो आपको पता है कि जब आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है, मतलब एक्स्ट्रा बैलेंस पड़ा होता है, तो वो स्वीप होकर के चला जाता है फिक्स डिपॉजिट में। फिर जब आपके अकाउंट से पैसे कम होते हैं तो वो चला आता है फिर से वापस आपके अकाउंट में, तो इसको कहते हैं ऑटो स्वीप। तो इस पर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ्लेक्सी डिपॉजिट पे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जाता है। और जो फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए वो इंडिविजुअल के नाम से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के नाम से हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से हो, मतलब किसी ग्रुप के नाम से नहीं होना चाहिए। किसी एक इंडिविजुअल के नाम से अगर फिक्स डिपॉजिट है तो उस पर क्रेडिट कार्ड इशू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपये इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है, जिसमें कि GST भी लिया जाता है। लेकिन प्रायोरिटी कस्टमर्स को कोई भी ज्वाइनिंग फी देने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब प्रायोरिटी कस्टमर्स के लिए कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं है। और जो एनुअल फी है वो भी 1500 रुपीज़ है, 1500 रुपये इस क्रेडिट कार्ड की फ़ी है। और बाकी जो एड ऑन कार्ड इस क्रेडिट कार्ड पे दिया जाता है उस पर कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं होती है। बात करते हैं फाइनेंस चार्जेस की, या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्ट चार्जेस की, जो कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड में, जो 50 डेज़ का होता है, अगर आप उसमें नहीं करते हैं तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। या फिर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लिया है तब भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये पर मंथ 3.40% होता है और पर एनम 49.36% होता है। और कैश विड्रॉल करने पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, ATM कैश विड्रॉल करते हैं, तो उस पर अलग से आपसे चार्ज भी लिया जाता है, जो कि 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट होता है, लेकिन मिनिमम आपसे लिया जाएगा 500 रुपये का चार्ज। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसके बाद भी मिनिमम आने वाला है। तो 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट अगर 500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आपसे 2.5% कैश विड्रॉल की फ़ी ली जाएगी। लेकिन अगर 2.5% का जो अमाउंट बन रहा है वो कम है 500 रुपये से,
तो आपसे मिनिमम 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। और अगर आप कैश पेमेंट करते हैं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं ब्रांच विजिट करके, तो उसके लिए आपको 100 रुपये की फ़ी देनी होती है। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है और आप उसको रीइशू कराते हैं, तो उस पर आपको 100 रुपये की फ़ी देनी होती है। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकलवाते हैं, तो वो वेव्ड है, उस पर कोई भी आपसे फ़ी या चार्ज नहीं लिया जाता है। बात करते हैं ओवरड्यू पेनल्टी की या फिर लेट पेमेंट फ़ी की, तो ये आपको देना पड़ सकता है 100 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक। और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने अमाउंट पे कितने रुपए की लेट पेमेंट फ़ी या फिर ओवरड्यू पेनल्टी हमसे ली जा रही है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। ओवर लिमिट पेनल्टी आपको देना पड़ेगा 3% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, लेकिन मिनिमम आपसे लिया जाएगा 500 रुपये। चार्ज स्लिप रिट्रीवल फ़ी या फिर कॉपी रिक्वेस्ट की फ़ी वेव्ड कर दी गई है, माफ़ कर दी गई है। चेक रिटर्न होने पे या फिर ऑटो डेबिट रिवर्स होने पे, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक डिपॉजिट कर रखा है और वो रिटर्न होता है, या फिर आपने ऑटो डेबिट ऑन कर रखा है और वो रिवर्स होता है, फेल होता है, तो इसके लिए जो फ़ी आपसे ली जाएगी वो 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट होगी, लेकिन मिनिमम आपको 450 रुपये की फ़ी देनी होगी। और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी 3.50% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू आपसे ली जाएगी। और मोबाइल अलर्ट्स की जो फ़ी होती है वो वेव्ड है, उस पर कोई भी आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। और हॉट लिस्टिंग चार्जेस भी वेव्ड हैं, उस पर कोई आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बैलेंस इंक्वायरी की भी जो चार्जेस हैं वो वेव्ड हैं। तो दोस्तों, यही था एक्सिस बैंक का प्रिविलेज ईजी क्रेडिट कार्ड, जो कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, जो आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में एक्सिस बैंक इशू करता है। और ये क्रेडिट कार्ड आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है। अब बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। ब्रांच विजिट करने के बाद आपको फिक्स डिपॉजिट कराना होगा। अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो अकाउंट भी आपको ओपन कराना पड़ सकता है। देखिए, कुछ ब्रांचेज होती हैं जहाँ पर बिना अकाउंट के फिक्स डिपॉजिट करके वो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी ब्रांचेज होती हैं जहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आप पहले एक्सिस बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करिए। तो पहले आपको अपना अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बाद आपको फिक्स डिपॉजिट कराना होगा, जो कि मिनिमम 65,000 रुपये का होना चाहिए। मिनिमम 65,000 रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, तो उस पर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपका ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट चल रहा है एक्सिस बैंक में, तो आप उस एग्जिस्टिंग फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में भी ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बस मिनिमम फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए 65,000 रुपीज़ का, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 80% ऑफ द फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है, मतलब यही नॉर्मल लिमिट एक्सिस बैंक देता है, तो यही आपको लिमिट मिलने वाली है। हो सकता है कि लिमिट थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिल जाए, अगर आप बैंक से नेगोशिएट करेंगे तो हो सकता है कि आपको लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड इशू कराया, तो आपके फिक्स डिपॉजिट पर लीन लगा दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है आपका फिक्स डिपॉजिट। वो आप तब तक विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जब तक आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बट यहाँ पे काफ़ी लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि एक्सिस बैंक से उन्होंने अगर क्रेडिट कार्ड लिया फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो जब उनका फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है तो वो इजिली उस फिक्स डिपॉजिट को विड्रॉल कर लेते हैं और उनका क्रेडिट कार्ड भी चलता रहता है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है, या फिर आप इसको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो इस क्रेडिट कार्ड की फ़ी है वो कुछ ज़्यादा है, मतलब 1500 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में आपको उसी तरह के फीचर्स और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताए हैं कि हर 200 रुपये खर्च होने पे आपको 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक्टिवेशन बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें कि आपको 5,000 रुपये के बराबर के एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग में या फिर ट्रैवल में। इसके अलावा आपको एनुअल बेनिफिट भी दिया जाता है, जब आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यू होता है तो आपको 3,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं, 3,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। जितना आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट भी दिया जाता है, उतने ज़्यादा बेनिफिट्स भी इस क्रेडिट कार्ड में हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आप इस क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे या फिर नहीं लेना चाहेंगे, जो भी आप सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।